लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सेना में मैंने क्या गलती की होगी? That I fell in love with someone, जिसकी दिलचस्पी मुझ में कम, जहर में ज्यादा है। जहर में है तभी तो तुम में है जाने मन। अच्छा तो मैं जहर हूँ? पता है प्यार की तरह पहले जहर भी नशा देता है और फिर धीरे धीरे जान ले लेता है। फिर तो तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं भी। Don't be so angry, देविका। आखिर मेरी गुस्ताखी सिर्फ इतनी है ना कि मैं ये भूल गया कि आज तुम्हारी कौन सी वाली माँ की सालगिरह है। इसके बावजूद कि ये बात तुम्हें दो बार बता चुकी हूँ। एक बार और सही बता दो, कौन सी माँ की सालगिरह है? And how do I trust कि इस बार तुम एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना दोगे? ये देखो कान बंद कर दिया, अब तो बता दो बड़ी माँ या छोटी माँ। आज मेरा जन्मदिन है और मुझे लिली पसंद है। लिली, तुम्हारे दिल को वही क्यों भाता जिससे मुझे नफरत होती है? यही सवाल तो मेरे दिल में भी उठ सकता है कि तुम्हें वही चीज अजीज क्यों है जिसके लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं। तुम्हारा दिल, तुम्हारी सालगिरह, तुम्हारा ये, तुम्हारा वो, सारी जिंदगी तुम्हारे मुताबिक चिटा ले। तो मत जियो, किसी ने हाथ जोड़ के ये इल्तिजा नहीं की थी कि अमानत भी हमें छोड़ के मत जाइए, अगर आप चली गई तो हमारा क्या होगा? एहसान फरामोश। कौन किसके एहसानों के तले दबा है ये दुनिया जानती है। अब एक एहसान और कर भी दो, ये बता दो कि तुम्हारी दो माँ क्यों है? बताओ तू, तुम्हारी मुझ में भी कोई दिलचस्पी है या नहीं? बताओ बताओ। अरे बताओ। क्या कर रहे हो? बताए तो। अभी कोई हादसा हो जाता तो? हो जाए ना हादसा। अरे देविका, देखते हैं तुम कहाँ तक आते हो। देविका परछाई बन जाएंगे। इतने साल तुम्हारी परछाई बन के बिता दी, क्या ये दिन देखने के लिए? तुम ही मेरे पैसे नाम शोहरत के साये में जीना चाहती थी। नाम पैसा शोहरत रहा कहाँ तराना? वक्त का तराना बदल चुका है, इतने साल सिर्फ अपने साथ दिया करते हैं तराना। अपनों की अपनी मंशा कहीं छुपी तो नहीं? क्या गला पाया सैगल ने। सुरैया के सामने कुछ भी नहीं। सुरैया, उसे लोग कैसे सहते पता नहीं? ऐसी बेमानी अदाकारों की बदौलत ही आज तुम्हारे पास काम ही नहीं है तराना, सुरैया का ही रिकॉर्ड बचेगा। अगर कहने से दिल की तमन्ना पूरी हो जाती तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती है ना? सभी तैयारियां हो चुकी हैं, आप एक नजर देख लेती तो। मैं आती हूँ जी। ए रघुवीर रुक, जरा सुरैया का रिकॉर्ड लगा। आप चलिए, मैं आती हूँ जी। कितनी बार कहा है इज्जत से बात करना सीखो। नौकर से और किस तरह से बात की जाती है? नौकर, 25 साल से रघुवीर जी हमारे साथ रह रहे हैं। 25 साल के बाद भी नौकर तो नौकर ही रहता ना तेरा। है कोई ऐसा जिसकी तुम इज्जत कर सको? मेरे टहलने का वक्त हो गया है, आराम से आना, यहाँ पे किसी को तुम्हारा इंतजार नहीं है। देविका, मेरे इंतजार में पलके बिछाए बैठे होंगे, दोनों मुझे बेइंतहा प्यार करते हैं। फासला है बहुत। हाँ, मैं रास्ते की बात कर रहा था। मैं भी तो रास्ते के बारे में बात कर रही हूँ। बढ़ेंगे तभी तो कम होगा। मैं खुद को ढूंढने की कोशिश करती हूँ, मुझे एहसास होता है कि मैं महज तुम्हारा अक्स हूं। अ
I really have tried hard to understand one thing in life. Hmm? Have you added the masala to the food or the food to the masala? तुम्हें हमारा मजाक उड़ाना बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन तुम एक बात समझ लो कि तुम खाते तो हमारा ही हो ना? तुम्हारे गालों में जो लाली है वो है तो हमारी वजह से ही ना? No, it's because of Mr. Raghavir. नाम मत लो उसका. मिस्टर कहने की जरूरत नहीं है उसको. इतनी इज्जत के काबिल नहीं है वो. सारा काम करूं मैं, खाना बनाऊं मैं, और वहां वही लूटे वो. एक गलती हुई मुझसे, सिर्फ एक. And what is that? कि उसकी वजह से यहां चला आया मैं. Oh, you talk too much. अरे अपनी जुबान को काबू में रखना सीखे मियां. कभी कभी अपनी बात अपने ही गले में हड्डी बनकर अटक जाती है. मैं कभी कभी अपने आप में इतना खो जाती हूँ कि खुद का भी ख्याल नहीं रहता. लेकिन डॉक्टर निगम, आप कहाँ खो गए? इस बेमिसाल हुस्न में. सालगिरह मुबारक हो तराना. शुक्रिया कि आप ये दिन कभी नहीं भूले. वो मेरी पसंद थी. हमने तो जब से तुम्हें देखा है दुनिया भुलाए बैठे हैं. और एक तुम बस खुद ही में उलझी रहती हो. कम से कम इस बात की शिकायत आप नहीं कर सकते कि मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है. जी इज्जत? किसने हिमाकत की यहाँ शिकायत करने की? इस दर पर कितने भले मानस आए, तबाह बर्बाद हुए, किसी ने उफ तक नहीं की. तेवर बता रहे हैं कि मिजाज कुछ ठीक नहीं है अमानत बी के. इंतजार में बैठे एक जिंदगी गुजारते, गुजारनी बाकी है. लगता है आने वाले मेहमानों में मैं सबसे पहला शख्स हूँ. और शायद आखिरी. क्यों बाकी लोग? अब पैगाम तो काफी लोगों को गया था मगर अफसोस आज की दावत सिर्फ करीबी दोस्तों के लिए है. आपके लिए राय साहब, छनकार और देविका भी आने वाली है. अरे देविका किसी दोस्त को अपने साथ ला रही है शायद. अरे कमाल है तराना, हमारी बच्ची इतनी बड़ी हो गई है कि घर में मेहमान आने लगे हैं. अरे हाँ 20 साल हो गए तराना को उसे गोद लिए. और तराना का भी यार कितनी बार का इस बात का जिक्र इस घर में नहीं होना चाहिए. किस बात का? तुम्हारी उम्र का. तुम जानती हो किस बात का? मैंने क्या गलत कहा? गोद तो लिया है ना. हाँ ये बात मैं मानती हूँ कि तुमने देविका को अपनी सेकंड बेटी से बढ़कर पाला. वो हम दोनों की बेटी है ना. तुम ही कहती हो कि वो तुम पर अपनी जान छिड़कती. बड़ी माँ, बड़ी माँ. अरे वाह, इतनी बड़ी होगी हमारी बच्ची. जीते रहो. तुम्हारा दोस्त? ओह, मैं आपसे मिलकर इतनी खुश हुई कि मैं इंट्रोडक्शन करवाना ही भूल गई. ये मदन, डॉक्टर निगम मदन. हेलो सर. हाउ डू यू डू? गुड. और ये मेरी बड़ी माँ तराना. आज आने की सालगिरह है. मेरी मुबारकबाद कबूल कीजिए तराने जी. जी लगा के एहसास की खूबसूरती कम ना करें. तराना, सिर्फ तराना. हाँ, ये फूल मैं आपके लिए लाया हूँ. खूबसूरत, बहुत खूबसूरत. बहुत दिनों से आपका जिक्र सुनता हूँ और तराना को जिक्र में नहीं फिल्मों में ढूंढना चाहिए. आपने मेरी फिल्में तो देखी ही होंगी. जी नहीं, ये मेरी बदनसीबी कि आपकी फिल्में नहीं देख पाया. पर आपने फिल्में छोड़ी क्यों? फिल्मों में अब वो कशिश ही कहाँ. एक खूबसूरत चलती हुई तस्वीर को आवाज की बैसाखियों ने कहीं का ना छोड़ा. और फिर उम्र भी तो हो चली.
अमानत भी, कुछ लोगों की खूबसूरती उम्र की मोहताज नहीं होती। हम तो आज भी इनके मुरीद हैं। ये आज भी उतनी खूबसूरत हैं जितनी हमने पहली बार इनको देखा था। कुछ बात तो है तराना में कि सब उसकी पहली मुलाकात याद रखते हैं। हाँ, ये बात दूसरी कि सिर्फ पहली मुलाकात याद रखते हैं। चलो मदन, ये मेरी छोटी बी भी बहुत दिलचस्प है। दिलचस्प, लेकिन तराना की तरह मशहूर नहीं। It's a pleasure. मैं ये फूल लाया था आपके लिए। शुक्रिया। मदन, तुम थोड़ा आराम कर लो। छोटी माँ, मैं बस अभी आई। मौके का फायदा, तन्हाई भी है और इश्क भी। What happened? तराना जी, इनकी नजरें हमेशा हम पर हैं। ये एक एक्ट्रेस का घर है, ऐसी तस्वीरें हर जगह मिलेंगी। देविका, I know, but I'm uncomfortable. मुझे ये लगता है जैसे वो हमेशा हमें देख रही हैं। हाँ? क्योंकि वो सचमुच यहाँ है। हम सब की जिंदगी में वो हमेशा मौजूद है। हम तो उनकी शख्सियत की परछाइयां हैं बस। लेकिन ये बंदा तो बस इस परछाई के साये में रहना चाहता है। किचन में मेरे आगे तुम सैंडविच खाना छोड़ दो। ध्यान से। अच्छा जी, हम तो बारात में आए ना। तराना मैम साहब के साथ हमारी भी इज्जत का सवाल है। इज्जत जैसे बड़े बड़े लफ्ज बोलकर अपनी जुबान को तकलीफ मत दो मियां। कुत्ते पालो, बिल्ली पालो या कोई और शौक पालो, लेकिन इतना याद रखो कि सब जानते हैं कि तुम्हारी नजर किस पे है। अपनी औकात दे रहो। मेरी औकात ये रसोई है। ये जो प्लेट है ना, प्लेट ये मेरी बीवी है, ये छुरी मेरी सास है, और ये सारे के सारे चमचे मेरे चमचे हैं। रही बात तड़के की, तो तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्दी लगा दूंगा। Gossip, gossip, gossip. That's all you do all day. Fill up those dishes there, or I'll speak to Raghavir. लो, एक ये भी है। रघुवीर ही काफी नहीं था? ये भी अपने आप को हमारा साहब ही समझता है। मदन, तुम रघुवीर जी से नहीं मिले? मिल चुके हैं। जब आप तैयार हो रही थी तब ये हमारे बावर्ची खाने में आए थे। तुम किचन में क्या करने गए थे? खाने की महक इतनी शानदार थी कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। देविका से जितनी तारीफ सुनी उतनी कम। हाँ, बड़ी माँ, ये सच बात है ना कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं, खासतौर से इनकी बिरयानी खाकर और बैगन का भरता। आहा, मेरे मुँह में तो पानी आ गया। आप अगर कहें तो। तुम्हें खाने में इतना इंटरेस्ट है, मुझे तो नहीं मालूम था। हर बार तुम्हारे बारे में कुछ नई चीज पता चलती है। और कोई राज छिपा है चेहरे के पीछे? जितना इनोसेंट दिखता है उतना वो है नहीं। मदन इज अ मास्टर ऑफ पॉइजन। जहर? जी हाँ, जहर। दुनिया में कौन कौन से जहर हैं, वो किस तरह काम करते हैं, कई मर्डर मिस्ट्री सुलझाने में स्कॉटलैंड यार्ड की मदद कर चुके हैं। मेरी दिलचस्पी कत्ले खून में नहीं है तराना जी, बल्कि इंसान में, उस जहर में है जो हमारे अंदर भरा हुआ है, उन वजहों में है जो इंसान को इंसान की जान लेने पर मजबूर कर देती है। जहर तो बस एक जरिया है उसे समझने का। कत्ल और जहर की बात, और वो भी इस हसी शाम। राय साहब, हमें पता ही नहीं चला कि आप आ गए हैं। मुस्ताफी बाप दोस्तों, मैं सीधा अंदर चला। आपका अपना घर है राय साहब। ठीक कहा तुमने अमानत। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, लेकिन तराना बी की सालगिरह पर राय साहब सर के बल दौड़े चले आते हैं। फिर चाहे वो बम्बई से लंदन क्यों ना हो। अब इनकी बेमिसाल खूबसूरती के सामने बस ही किसका चलता है। हमें देख लीजिए, सब कुछ छोड़कर तराना के साथ में इंग्लैंड चले आए। तुम नहीं समझोगी झनकार, हमारी चाहत इन्हें यहाँ खींच लाती है।
मेहमानों को थोड़ा सांस तो लेने दो तरह ना। अब आदत सी हो चुकी है अमानत इस दोस्ती की, इस अदावत की। हमारी तो आंखें तरस गई इसे देखने के लिए। ओह ब्यूटीफुल। इतनी ही याद आती है तो इसे अपने पास क्यों नहीं रख लेते हैं राय साहब? वही तो हम कह रहे हैं कि जब तक बॉम्बे में थी पढ़ती थी हमारे साथ रहती। हमारी तो ख्वाहिश ही रहेगी कि इसकी हम परवरिश कर सके। आपसे हमारा तारुफ नहीं हुआ। ये हमारे मेहमान है। ओह खूबसूरती तुम्हारी तरफ खींची चली आती है। फिर भी तराना शादी करने से कैसे बची रही? खुद से कम समझ के हमें ना आजमाना, ढूंढोगे मुझ में है समाना। किसी का शेर चुराते हो, कम से कम उसे निभाओ तो सही। अरे हाँ मरत, वो तुम्हारा असली वाला शेर क्या है? कभी खुद से कम समझ के हमें तुम ना आजमाना, ढूंढोगे मुझ में तो मिल जाएगा समाना। वाह छोटी माँ, आप गाना गाओ, गाओ ना, कम ऑन प्लीज गाइए। के लिए घंटों तन्हाई में बैठकर सोचा था कि प्यार में कोई धोखा कैसे दे सकता है। याद है? मुझे तो सिर्फ इतना याद है कि पैसा पानी की तरह बह रहा था। और आपके लिए सिनेमा सिर्फ एक बिजनेस है और मेरे लिए जुनून। मैं चाहती थी कि मेरा हर किरदार जिंदगी के इतने करीब हो कि बिना कोशिश के लोगों के मुंह से निकले वाह क्या बात है। इसीलिए तो दुनिया मेरी इतनी मुरीद है। हम भी तो हैं। आपका ग्लास खाली हो गया है। आंखों से पी लूं तो एतराज नहीं होगा। डॉक्टर की बात याद है ना राय साहब? आज कुछ मत कहो झंकार। आज ही का तो डर है राय साहब।